हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी, जिनसे छोटी सी गुफ्तगू करने के बाद फिर बाकी और लोगों से चर्चा करेंगे। वीडी भाई, आपको पार्टी का शुभंकर कहा जाता है। 2020 में आपको संघर्ष के लिए लाया गया था, मगर आपने सरकार बनवा दी। 2023 में फिर आपने सरकार बनवा दी, तो ये सब क्या है? कुछ किस्मत है, मेहनत है, या पार्टी का संगठन है? ब्रिजेश जी, मैं तो एक सामान्य कार्यकर्ता की भूमिका में हूँ। संगठन ने जवाबदारी दी कि इस काम को करना है, तो केवल सरकार बनाना या विपक्ष में है उससे पक्ष में आना, ये सारे विषय तो नहीं थे, लेकिन संगठन के काम की दृष्टि से जवाबदारी दी। तो हम सबका यही प्रयास होता है कि जिससे जो काम मिलता है उस काम को बेहतर तरीके से किया जाए। अब होता यह है कि जिन्हें काम करना है वो काम करते हैं, जब हम उस जिम्मेदारी पर होते हैं तो उसका श्रेय मिलता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कोई भी काम टीम स्पिरिट के साथ होता है और सामूहिकता के आधार पर ही हम काम करते हैं। तो चाहे सरकार बनी हो या 2023 के प्रचंड बहुमत की सरकार आज तक के इतिहास का सर्वाधिक वोट शेयर बीजेपी की मिला हो, इसका श्रेय किसी को है तो प्रधानमंत्री मोदी जी से लेकर भारतीय जनता पार्टी की जो टीम है उस टीम का काम है। और टीम स्पिरिट पर हम आगे बढ़ते हैं। सामूहिक नेतृत्व ने इस बार ऐतिहासिक विजय मध्य प्रदेश के अंदर जनता का आशीर्वाद मिला, इसलिए सबको श्रेय जाता, केवल मुझे नहीं। मैं जो एक निमित्त मात्र एक कार्यकर्ता के नाते से काम की भूमिका में हूँ, मगर हम सब बीजेपी को इतने दिनों से देखने वाले भी इस बात को लेकर हैरान रहते हैं कि जब सब कुछ है, मजबूत नेतृत्व तो है, मजबूत संगठन है, फिर भी बीजेपी क्यों अपने कार्यकर्ताओं को पूरे वक्त काम में लगाए रहती है? ऐसा लगता है कि बीजेपी चुनाव की मशीन है, हर वक्त एक नया चुनाव और नए चुनाव को बिल्कुल वैसे ही लड़ती है जैसे कोई पहला चुनाव। ये सब क्या है? विजय जी, आप तो पत्रकारिता जगत के एक बड़े चेहरे हैं, आज से नहीं, मैं आपको विद्यार्थी काल से जानता हूं। भारत की राजनीति में राजनीति का जो कल्चर था वो देश के अंदर नेताओं को, नेता शब्द को, राजनीति को किस चेहरे किस चश्मे से देखते थे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 के बाद भारत की राजनीति का कल्चर बदल दिया और भारत की राजनीति में प्रधानमंत्री ने वर्क कल्चर डेवलप कर दिया। दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता आज 10 वर्षों के अंदर एक दिन की छुट्टी अपने जीवन के लिए नहीं लेता है। ये कमिटमेंट आज तक के आजादी के इतिहास में किसी का है तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। मैं आज आपके चैनल के शुभारंभ के अवसर पर आपको बधाई तो देता ही हूं, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि देश के अंदर या तो सुभाष चंद्र बोस को लोगों ने नेता नाम से विश्वास व्यक्त किया था और नेता शब्द का सम्मान था, या आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नेता पर विश्वास देश का और दुनिया का है, तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर है जो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है। इसलिए काम करना और राजनीति में काम करने वाले लोग शुचिता की राजनीति के साथ अपने जीवन में देश के लिए, समाज के लिए मैं कुछ करने की भूमिका के लिए आया हूं, ये भाव आज अगर प्रैक्टिकली कोई कर रहा है तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं से लेकर के और भी राजनीतिक दल के लोग, मैं नहीं कहता कि बाकी लोग नहीं करते होंगे, बाकी लोग भी करते हैं, लेकिन भाजपा में वर्क कल्चर माननीय प्रधानमंत्री ने विकसित किया है। इसलिए काम करना है, कर्मण्डे ही वादिकारस्ते, इसी पर हमें चलना और उस पर हम लगातार चल रहे हैं। मगर एक जो फिर एक बड़ी चुनौती आपके सामने है, फिर विधान लोकसभा का चुनाव है और पिछली बारी तकरीबन पूरी सीटें आप लोगों के पास थी, एक सीट छोड़ के। इस बार बड़ी उम्मीद थी कि छिंदवाड़ा जीतने के लिए आप लोग कुछ ऐसा सरप्राइज एलिमेंट देंगे कि लोग चौंक जाएंगे, और जिस तरीके से पार्टी कतिव रहती है किसी बड़े चेहरे को उतार देती है, तो मगर इस बार ऐसा छिंदवाड़ा फिर कुछ नहीं हुआ। हाँ, ये जरूर हो रहा है कि आप रोज किसी न किसी लोगों को लेके आ रहे हैं, रोज पार्टी का दफ्तर खुलता है 11 बजे और हम लोगों के पास खबर आती है कि कुछ ज्वाइनिंग हो रही है, दिन में ज्वाइनिंग हो रही है, रात में ज्वाइनिंग हो रही है, तो ये क्या इरादा है? कांग्रेस को बचने देंगे कि नहीं, या कांग्रेस? ब्रिजेश जी, एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि जब 2023 का चुनाव लड़ रहे थे तो कई प्रकार के परसेप्शन थे, मीडिया में भी, पॉलिटिकल एनालिसिस करने वाले लोग भी, कि मध्य प्रदेश में ये होगा, मध्य प्रदेश में ऐसा होगा, और कई लोग तो मुख्यमंत्री रोज बन जाते थे। लेकिन मैं आपको जो संकेत देना चाहता हूं कि अमित शाह को राजनीति का चाणक्य क्यों कहा जाता है,
देश का आज तक का सरदार पटेल के बाद अगर कोई सशक्त गृहमंत्री बना है तो अमित शाह जी आज देश के गृहमंत्री के तौर पर आज उस भूमिका में हैं। उन्होंने बड़ी सभाएं नहीं की, मध्य प्रदेश के अंदर उन्होंने कार्यकर्ताओं से बात की, छोटी छोटी बैठकों में वो रहे। उन्होंने मुझे कहा कि मैं जरा कार्यकर्ताओं से मिलना चाहता हूं, और उसके बाद जब सभी बैठकें करने के बाद उन्होंने कहा कि आज मैं कॉन्फिडेंट हूं कि मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने जो काम किया है और संगठन की ताकत के बल पर प्रत्येक बूथ पर मजबूती के साथ जो खड़ा है, इस बार हम, ये चुनाव से 20 दिन पहले की बात कर रहा हूं, कि मध्य प्रदेश में संगठन की ताकत के बल पर हम प्रचंड बहुमत की जीत हासिल करेंगे, ये अमित शाह जी ने कहा था। तो छिंदवाड़ा के अंदर भी आज मैं संदर्भ जोड़ रहा हूं, संगठन की ताकत के बल पर, मैंने छिंदवाड़ा के अंदर कहा, जब मीडिया के मित्रों ने पूछा कि फलाने जी का गढ़ है, मैंने कहा किसी का गढ़ नहीं है, गढ़ किसी का है तो प्रधानमंत्री मोदी के गरीब कल्याण की योजनाओं के हितग्राहियों का गढ़ है। 14 लाख लोग तो 5 लाख रुपए का फ्री में इलाज कराने का अधिकार आयुष्मान कार्ड योजना के हितग्राही छिंदवाड़ा के अंदर है। तो इसलिए कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा और कार्यकर्ता ही चुनाव जीतेगा, और इस बार 29वीं सीट जो 400 में हमें जो कंट्रीब्यूट करना है, हम 28 पर तो है ही, 29वां कमल का फूल 400 में छिंदवाड़ा से इस बार जाएगा, हम बहुमत के साथ जीतेंगे। हमारे सामने प्रहलाद पटेल जी बैठे हैं। एक बार प्रहलाद पटेल जी ने चुनाव लड़ा था, बड़ी दमदारी से लड़ा था और तकरीबन जीत के करीब ही पहुंच गए थे। हम लोग उम्मीद कर रहे थे हो सकता है प्रहलाद जी इस बार फिर लड़ लेते, राव उदय प्रताप सिंह जी हैं वही बड़े दमदार प्रत्याशी हो सकते थे, मगर आपने फिर अपने एक कार्यकर्ता की इज्जत बढ़ाई। मगर हमारा सवाल ये है, जो हम लोग राजनीति को पढ़ते हैं देखते हैं, कि बीजेपी कभी संतुष्ट क्यों नहीं होती, हमेशा आगे बढ़ती है। जैसे यहाँ भी 28 सीटें थी तो जो डेमोक्रेसी कुछ कांग्रेस के लिए छोड़ते, मगर इस बार 29 का आपने लक्ष्य तय कर लिया, सीटें लगातार बढ़ाना बढ़ाना बढ़ाना, तो आखिर क्या इतनी ये सत्ता की भूख है, संगठन की भूख है, या सरकार पे कुछ करने की भूख है? ये पूरा देश, केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं, पूरा देश आज इस परिदृश्य में ये चाहता है कि तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने। बीजेपी का कार्यकर्ता चाहेगा ही, लेकिन देश चाहता है। और ये चुनाव जो लड़ रहे हैं, ये चुनाव भाजपा के संगठन के कार्यकर्ताओं की मेहनत तो है, लेकिन देश का जनमानस आज भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री मोदी जी, वो दलगत राजनीति से ऊपर उठ गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी केवल एक दल के नेता नहीं है, आज इस देश के सर्वान नेता कोई भारत के अंदर है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जो आज लगातार आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इस प्रकार का काम देश के अंदर किया है। और इसलिए मैं मानता हूं ये ज्वाइनिंग हो रहा है ना, ये ज्वाइनिंग केवल पॉलिटिकल नहीं है, इस ज्वाइनिंग में सामाजिक कार्यकर्ता आ रहे हैं, इस ज्वाइनिंग में खिलाड़ी आ रहे हैं, आर्टिस्ट आ रहे हैं, डॉक्टर्स आ रहे हैं, समाज के अलग अलग सेगमेंट के लोग, उन्हें लगता है कि आज देश के अंदर 2047 का जो संकल्प है प्रधानमंत्री मोदी जी का, भारत विकसित भारत बनेगा, दुनिया की पांचवी अर्थव्यवस्था से तीसरी अर्थव्यवस्था भारत बनेगा, दुनिया का हम नेतृत्व करेंगे, जो स्वामी विवेकानंद का सपना था, इसके लिए भूख है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः बने, और ये जनता भी चाहती है, ये इस बात की आवश्यकता है। तो क्या हम आने वाली सरकार के भावी केंद्रीय मंत्री से बात कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी में ब्रजेश जी, कार्यकर्ता कार्यकर्ता की भूमिका में काम करता है। माननीय मुख्यमंत्री होंगे, कैबिनेट के मंत्री होंगे, प्रदेश के अध्यक्ष होंगे, जो भी है, काम जिसको मिलता है वो उस काम को बेहतर तरीके से करने का प्रयास करता है। इसलिए क्या काम मिलेगा, क्या भूमिका बनेगी, ये हमारा नेतृत्व तय करता है। इसमें हम ये नहीं सोचते कि हमें क्या बनेंगे और नहीं बनेंगे, कहाँ से चले थे और कहाँ इस यात्रा में जो सहभागी बन सकते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ हम सब मिलकर के उस यात्रा के सहभागी के तौर पर काम कर रहे हैं, जहां जो भूमिका मिलती है उस काम को करने का प्रयास करते हैं। भगवान करे आपको आने वाले दिनों में ऐसी चमकदार भूमिकाएं मिलती रहें और पार्टी को आप लगातार आगे बढ़ाते रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मगर जाने से पहले विस्तार न्यूज के दर्शकों के लिए क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत आपको धन्यवाद ब्रजेश जी। मैं आदरणीय परम पूज्य गुरु जी रामपुरा महाराज यहाँ उपस्थित हैं, मैं उनको श्री चरणों में उनके प्रणाम करता हूँ, और विस्तार न्यूज को जो आज मध्य प्रदेश के अंदर आपने चैनल लॉन्च किया है, सारे वरिष्ठ लोग भी हमारे और भोपाल और मध्य प्रदेश के मूर्धन्य लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, इन सब की उपस्थिति में आपके चैनल के उद्घाटन के अवसर पर आपको बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं ऐसा मानता हूँ कि विस्तार न्यूज
मध्य प्रदेश के लिए एक स्वच्छ तौर पर इंडिपेंडेंटली लोगों के लिए वास्तविक चित्र समाज के अंदर लाने का काम तो आप हमेशा से करते रहे हैं और भी आप करेंगे, इसलिए मैं आप सबको बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं और आपके भविष्य के प्रति आपका चैनल ऊंचाइयों को छुए इसी शुभकामनाओं के साथ आपको पुनः बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी जो आपने अपने व्यस्त समय से थोड़ा सा हमको दिया, शुक्रिया।